अघोरी होते हैं कि जो प्रकृति से मिल गया उन्होंने वो चीज खा ली या फिर कच्चा मांस है या फिर किसी की जलती भी चिता है तो ये सच है हाँ ये काफी हद तक ये सत्य है हम बहुत से ऐसे अघोरी से परिचित हैं जो बड़ी बड़ी मल्टी कंपनीज में काम करते हैं सच में जी बहुत हैरानी कर देने वाली चीजें हैं तांत्रिक लोग हैं उनकी विद्या इतनी स्ट्रॉन्ग है वो कभी भी किसी को भी अपनी विद्या के माध्यम से एक इंसान को पशु भी बना सकते हैं। एक ऐसा मार्ग है जिसमें सब कुछ संभव है शिव के प्रिय माने जाते हैं अघोरी भगवान शिव के वह इसलिए अधिक प्रिय है क्योंकि वह अपने आप को शिव और प्रकृति के ऊपर ही छोड़कर पूरा जीवन व्यतीत करते हैं तो आपका स्वागत है हमारे इस आज के पॉडकास्ट में आज का पॉडकास्ट फिर से स्वामी भैरव जी के साथ है जो कि पिछले पॉडकास्ट में हमारे साथ थे उन्होंने पिछले पॉडकास्ट में हमें बताया था कामाख्या देवी के कुछ चमत्कारी बातों के बारे में उस मंदिर की एक चमत्कारी एनर्जी के बारे में ऊर्जा के बारे में उसी बातचीत को आज फिर हम आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे उनसे कुछ और आश्चर्यचकित कर देने वाली कामाख्या देवी के मंदिर के बारे में और साथ ही कुछ और भी विषयों पे आज हम उनसे चर्चा करेंगे स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी जैसे कि पिछले पॉडकास्ट में हम आपसे बातचीत कर रहे थे कामाख्या देवी के बारे में उसी बातचीत को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे क्योंकि पिछले एपिसोड में जो आपने कामाख्या देवी मंदिर के बारे में स्पेशली जो चीज़ें बताई वहाँ की जो ऊर्जा है वहाँ मंदिर के जो इर्द गिर्द का जो क्षेत्र है उसके बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें बताई तो मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है तो मेरे को लग रहा है कि आ, मुझे कुछ और चीज़ें हैं जो आपसे जाननी है कामाख्या देवी के बारे में जैसे कि मैंने पहले भी पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि लोगों की अलग अलग भ्रांतियां हैं लोग उस मंदिर के बारे में उस जगह के बारे में क्योंकि वो एक ऊर्जा का एक इतना बड़ा स्त्रोत्र है कामाख्या देवी को शक्ति का भंडार माना जाता है कुछ लोग उस चीज के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं मैंने कहीं सुना कि कामाख्या देवी आ, का जो पर्टिकुलर जो क्षेत्र है जो मंदिर है उसके इर्द गिर्द की जो ऊर्जा है और वहां पे रहने वाले जो तांत्रिक हैं, जो तंत्र विद्या जानते हैं तांत्रिक लोग हैं उनकी विद्या इतनी स्ट्रांग है वो कभी भी किसी को भी अपनी विद्या के माध्यम से एक इंसान को पशु भी बना सकते हैं। क्योंकि तंत्र एक ऐसा मार्ग है जिसमें सब कुछ संभव है और यह एक ऊर्जा है और ऊर्जाओं का रूपांतरण ही कई तरह के भ्रम उत्पन्न करता है कई तरह की नई रचनाएं करता है परंतु आज के समय में आपको कामाख्या और उसके दूर दूर के आसपास के क्षेत्र में कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा ये लोगों ने अपने आप को प्रचारित करने के लिए एक भ्रम उत्पन्न करने के लिए तो कामाख्या के साथ एक ज़्यादा जगह म्योंक जगह एक तो उस जगह का नाम लेकर बहुत सारी जगहों पर यह ये मेंशन किया जाता है कि वहाँ पर आज भी लोगों को पशु बना दिया जाता है बकरा बना दिया जाता है तो इस तरह का आप वहाँ पर जाएंगे और वहाँ के स्थानीय लोगों से अगर आप बात करेंगे तो वो आप पर हंसेंगे तो इस तरह की कोई भी वहाँ पर आप कामाख्या जाइए आपको किसी भी तरह से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है आप माता के दर्शन कीजिए जिस तरह से आप किसी और शक्तिपीठ के दर्शन करते हैं उसी तरह की अनुभूति वही आनंददायक और आपको हर तरह से ऊर्जा से भरने वाली अनुभूति आपको कामाख्या जाकर प्राप्त होगी तो जैसे कि अभी आपने बताया कि एक जगह है वहां पे मेयोंग वहाँ पे अगर ये बात किसी ने बोली है अगर कहीं से हमने ये बात सुनी है तो मेयोंग जो जगह आप बता रहे हैं तो वहाँ पे क्या सच में ऐसा कुछ तांत्रिक लोग हैं, चलो माना कि वो पशु नहीं बनाते होंगे तो ऐसी क्या है वहाँ पे ऐसी विद्याओं का इस्तेमाल किया जा रहा हो जिसको सिद्ध करके वो कुछ भी कर सकते प्राचीन समय में वहां पर एक बहुत अधिक मात्रा में जो तंत्र साधक जो थे वो वहां पर रहा करते थे उसके बाद जैसे ही समय का परिवर्तन हुआ तो वहाँ पर वह जगह जो जादूगर जो जादू दिखाने वाले जो लोग हैं जो हाथ की सफाई जो है उस तरह के लोगों ने वो जगह वहाँ पर उन्होंने स्थान वहाँ पर उनके स्थान वहाँ पर अधिकतर है अच्छा। लेकिन अभी वर्तमान में वहाँ पर इस तरह की जो प्राचीन विद्या के जानकार जो लोग हैं वो आपको बहुत कम मिलेंगे अच्छा और इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस वहाँ पर करने वाले आपको नहीं मिलेंगे कि जो किसी मनुष्य को जानवर बना दे। चलो शुक्र मैं तो डर ही गई थी कि इंसान को ऐसा कौन सा जादू है कि एक मिनट में वो पशु बना देते हैं अभी स्वामी जी मैं आपसे बात करूंगी आ, क्योंकि हम तंत्र विद्या की बात कर रहे हैं हम जादू टोनों की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब इन चीज़ों की बात आती है तो एक आम इंसान अघोरियों के बारे में सोच के और आ, नागा, नागा बाबा तो चलो हम अलग मानते हैं लेकिन अघोरियों के बारे में सोच के लोग भयभीत हो जाते हैं कई जो लोग उनको नहीं जानते अघोरी और शिव एक माने जाते हैं शिव के प्रिय माने जाते हैं अघोरी और अघोरी जो है वो शिव के साधक माने जाते हैं तो सबसे पहले आप ये बताओ कि अघोरी जो होते हैं अघोरी बाबा जो होते हैं उनकी क्या दिनचर्या होती है क्यों वो अघोरी बनते हैं और कैसे शिव के संपर्क में आके वो इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि उन पर चारों दिशाओं में होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं उन पे कोई असर ही नहीं डालती उनका जीवन इस संसार से परे होता है तो वो थोड़ा जब आप एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जहां आपके लिए मान सम्मान ये चीजें धन संपत्ति ये शरीर भी कोई मायने नहीं रखता है आप शरीर से ऊपर उठकर जहां पर चीजों को सोचते हैं इसीलिए वो अपनी दिगंबर साधना करते हैं कि आप अपने शरीर के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं आपको प्रकृति से जो भी तत्व मिल गया आपने उसको उसको ग्रहण कर लिया प्रकृति ने जो भी आपको दिया आप पूर्ण रूप से प्रकृति के ऊपर निर्भर हो गए खाने के लिए जी खाने के लिए तो भगवान शिव के वह इसलिए अधिक प्रिय है क्योंकि वह अपने आप को शिव और प्रकृति के ऊपर ही छोड़कर पूरा जीवन व्यतीत करते हैं शिव कृपा से जो प्राप्त हो गया प्रकृति से जो प्राप्त हो गया उसे वह स्वीकार करेंगे जिस तरह से उन्हें परमात्मा ने बनाया है वह उसी भाव में रहेंगे चाहे दिगंबर भाव हो दिगंबर उनकी अवस्था हो और अघोर जो मार्ग है वह सरलता का मार्ग है अपने आप को एक सम अवस्था में बनाए रहने का मार्ग है और आज के समय के लोग उसको सबसे मुश्किल मार्ग मानते हैं आज के समय में उसमें क्योंकि देखिए सरल होना अपने आप में सबसे कठिन कार्य है परपंच से अपने आप को बचा के रखना सबसे जटिल कार्य है तो आपके ऊपर यह संसार की माया कोई प्रभाव ना डाल सके माया को अपने अधीन करके रखना अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी साधना है पंच महाभूतों को अपने अधीन कर लेना जिससे इस शरीर का हमारे निर्माण हुआ है हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है इसको अपने अधीन कर लेना तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी तप की अवस्था है तो जितने भी अघोर साधक है या जो अघोरी है क्योंकि एक जो सामान्य जो संसार है एक माया के प्रभाव में अलग तरह का जीवन जी रहा है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखावटी है हम जो भी श्रृंगार करते हैं या वस्त्र पहनते हैं अपने आप को बहुत सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं या अपने आप को बहुत शिष्टाचार में दिखाने की प्रयास करते हैं अघोरी इन सब चीज़ों के ऊपर लात मारता है वह सिर्फ अपने उस शिव की आराधना के भाव में ही अपना जीवन जीता है उसे संसार के व्यंगों का संसार उसके उसको किस निम्न दृष्टि से देख रहा है उसे संसार से बहिष्कृत कर दिया गया है वह अपने पास क्या धन संपत्ति उसने जमा की है नहीं की है वह पूर्ण रूप से प्रकृति और शिव कृपा के ऊपर निर्भर होकर अपना पूरा जीवन समर्पण भाव में व्यतीत करता है ऐसे ही साधक को अघोरी कहा जाता है और उनकी अपनी कई गुप्त सिद्धियां हैं कई गुप्त साधना के मार्ग है, जो कि आम लोगों के सामने प्रकट नहीं किए जा सकते हैं जी तो आ, अघोरियों के बारे में एक और बात आ, लोग पढ़ते या सुनते हैं हम लोग सुनते हैं कि जो अघोरी होते हैं जैसे कि अभी आपने बोला कि जो प्रकृति से मिल गया उन्होंने वो चीज खा ली चाहे वो कंद मूल है चाहे वो फल है या फूल है या फिर कच्चा मांस है या फिर किसी की जलती भी चिता है तो ये सच है हाँ ये काफी हद तक ये सत्य है कि अघोरी हर प्रकृति की वस्तु को स्वीकार करता है क्योंकि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं वो मात्र तत्व है अब आप एक एक जगह आपके पास गर्म जल है एक ठंडा जल है एक साफ जल है एक गंदा जल है पर लेकिन उसका मूल जो तत्व है वो जल है अघोरी मात्र सिर्फ उस तत्व को देखता है और अघोरी के पास यह क्षमता है कि वह उस तत्व का रूपांतरण भी कर सके अपनी शक्तियों से जी तो वो आप जिस चीज का दर्शन कर रहे हैं आप किस चीज का दर्शन कर रहे हैं और अघोरी उसमें क्या दर्शन कर रहा है वो दोनों में भेद है तो जो आपके लिए जो शायद ये लगता है कि यह चिता का मांस है हाँ। या किसी के शरीर का मांस है तो वो आपका भ्रम भी हो सकता है अघोरी के अंदर वह तत्वों का रूपांतरण करने की उसके अंदर एक क्षमता रहती है तो बहुत सारे अघोरी ऐसे हैं कि जो एक मांस का टुकड़ा उठाकर उसी में से मिठाई बना देते हैं या फल बना देंगे तो वह तत्वों का रूपांतरण करने की एक क्षमता जब किसी के पास आ जाती है तो वह क्योंकि यह संसार एक तत्वों से ही बना है उसी से निर्मित है तो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी दृष्टि से देखें संसार की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो अघोरियों अघोरी होना और अघोरी का जीवन जीना हमें लगता है कि बहुत कठिन है क्योंकि हम उस परिस्थिति तक नहीं पहुंच पहुंचे हैं उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं है। लेकिन उनके लिए वो बहुत ही सरल है क्योंकि उन्होंने अपने और ईश्वर में ईश्वर को पाने में और इस प्रकृति में कोई भेद नहीं समझा है तो उनको लगता है कि जैसा जो मिल रहा है उसको वैसे ही ग्रहण करो तभी मैं अपने आप को उस ईश्वर से आ, मिल सकता हूं उससे मिलान हो सकता है मेरा या मैं उस मोक्ष की गति को प्राप्त हो सकता हूँ ऐसा कुछ अघोरी का अर्थ है जो घोर नहीं है जो सरल है अच्छा दुष्ट नहीं है हाँ आप ये कह सकते हैं सरल का अर्थ है कि जिसके अंदर कोई आडंबर नहीं है फल दिखावा नहीं है फल दिखावा नहीं है बिल्कुल सरल है जो तो अघोरी वही है जो बिल्कुल सरल है और सरल होना बहुत कठिन कार्य है तो अघोर मार्ग की साधना बहुत जटिल साधनाओं में से एक साधना है क्योंकि इसमें आपको हर एक अवस्था में सरल बने रहना है आपके ऊपर कोई बड़ी से बड़ी संपत्ति है कोई विपत्ति आपके ऊपर आ जाए आपकी कोई बड़ी से बड़ी संपत्ति आपसे कोई छीन के चला जाए आप आपको कोई बड़ा सा बड़ा कोई कष्ट कोई दे रहा है कोई पीड़ा आप उसे सह रहे हैं उसे सहने की क्षमता तो ज़्यादातर अघोरियों को इस तरह से दिखाया जाता है कि वो बहुत क्रोधी होते हैं आ, बिल्कुल ठीक है और बहुत शायद उनका जीवन जो है बहुत मलिनता से घिरा हुआ उसका प्रदर्शन किया जाता है परंतु वास्तविक रूप में क्या है कि अघोरी अपने शरीर के ऊपर चिता भस्म रमाता है ठीक है तो सृष्टि में हर चीज का जो जो उसका अंत का जो उसका स्वरूप है वो भस्म है अगर आप मिट्टी को भी जलाएंगे तो उसकी भी भसम ही बनेगी हमारा ये पंचभूत का जो शरीर है इसको जलाने के बाद अगर कुछ शेष बचता है तो वह भस्म है तो अघोरी अपने शरीर के ऊपर वह चिता भसम इसलिए रमाता है क्योंकि वह चिता की जो भसम है वही वास्तविकता है हर चीज का अंत वही है तो वह उस अंत को स्वीकार करके अपने शरीर के ऊपर धारण करता है ताकि माया का जो भी आवरण चढ़ा है उसको भेदा जा सके जब आप माया के आवरण को भेदेंगे तभी आप जो भगवान शिव का जो मूल स्वरूप है उसके दर्शन आप कर पाएंगे उन्हें आप जान पाएंगे क्योंकि माया का नाश करने वाले भगवान शिव है उनके ऊपर कोई भी माया कार्य नहीं कर सकती है तो जैसे कि भस्म की बात करी तो मुझे दिमाग में एक बात याद आ गई कि जैसे आपने बोला कि भस्म जो है वो जो आ, अंत का जो स्वरूप है वो भस्म है क्योंकि एंड में सबने भस्म हो जाना है चाहे वो शरीर है चाहे वो कोई चीज़ है अगर हम कोई चीज़ हमारे पास कोई वस्तु है उसको हम जला देंगे तो एंड में वो राख बन जाती है तो इससे रिलेटेड मुझे मैंने कहीं सुना था किसी संत के मुख से या कहीं पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा कि लोग बोलते हैं कि मेरे कालेबाज़ सफ़ेद हो गए तो वो उन्होंने उन उन संत ने बोला संत थे मुझे दिमाग में नहीं आ रहा मतलब किससे मैंने ये बात सुनी थी कहीं सुनी है या पढ़ी है कि सफेद होना ही असल है काले तो नकल थे जो आके बदल गए सफेदी में चले गए तो काले तो जो काले बाल थे वो नकली बाल है जो अभी सफेद अभी सफेद के बाद इसका कलर चेंज ही नहीं होगा तो जो सफेद है वो असल है तो उस असल को हमें स्वीकार करना चाहिए हालांकि लोग हम देखते हैं कि लोग सफ़ेद को भी काला करना शुरू कर देते हैं या जो भी चीज़ है तो वही भस्म से रिलेटेड है कि हमारे जीवन का जो अंत है वो भस्म है तो उस भस्म को जो हमारे नागा साधु हैं वो भी अपने शरीर पे लगाते हैं शिव बाबा भी लगाते हैं महाकाल में भस्म की आरती होती है वहाँ पर तो इसी प्रकार जैसे आपने बताया कि अघोरी जो है वो अपने शरीर के ऊपर भस्म लगाते हैं अघोरियों से रिलेटेड में एक और चीज आपसे पूछूंगी अघोरी रहते हैं क्योंकि आम संसार में जब हम घूमते हैं तो हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं हैं लोग सोचते हैं, आ, ये हिमालय की कंदराओं में रहते हैं कोई सोचता है ये आ, कहीं दूर ऐसी गुफाएं बन के रहते हैं और कभी जब कुंभ का मेला होता है तो कभी कभार हमें इनके दर्शन करने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है तो बेसिकली जब ये नॉर्मल जिंदगी जब कोई ऐसा कोई बड़ा त्यौहार नहीं दिख रहा है कोई कुंभ का भी मेला नहीं है जैसे तो अभी ये कहाँ होते हैं देखिए हमने कहा कि अघोरी जो है वो एक तरह का पद है एक तरह का आपको टाइटल है आपके लिए और एक आपकी अवस्था है अच्छा देखिए हम बहुत से ऐसे अघोरी से परिचित है जो बड़ी बड़ी मल्टी कंपनीज़ में काम करते हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं बहुत सक्सेसफुल लोग हैं और भगवान के बहुत भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं और वो सामान्य सामान्य लोगों की तरह अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं और जब उन्हें अपनी पूजा पाठ और उस पद्धति को प्रणाली जो पूजा की पद्धति को अपनाना होता है तो वो पूर्ण रूप से उस भाव में आ जाते हैं तो वह एक भाव की अवस्था है आप ऐसा नहीं है कि आप जिस चीज़ का जैसा दर्शन करना चाह रहे हैं वो आपको वैसी ही मिलेगी अधिकतर लोग अघोरी को खोजेंगे कि कहीं कंदराओं में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हमारे को मिल जाएगा लेकिन देखिए क्या है कि आजकल जो ज्ञान है और जो तपस्वी लोग हैं जो वो ज़्यादातर समाज से विरक्त तो होकर रह रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो किसी तरह के लोगों की अटेंशन में आए और उनकी साधना में कोई विघन डाले तो हर व्यक्ति अपने तरीके तरीके से से अपनी साधना गुप्त कर रहा है सच में गुरुजी कई अघोरी ऐसे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करते हैं मतलब दे आर एजुकेटेड तभी वो मल्टीनेशनल कंपनी जिसे आप बोल रहे हो कि कहीं जॉब कर रहे हैं कहीं वर्क तो मेरे दिमाग में इनफैक्ट मुझे लगता है जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उन सबके दिमाग में अंगोरियों को लेके एक पिक्चर है और वो वही है कि दे आर दिगंबर दिगंबर रहते हैं वो और हो सकता है वो उन्हें उनको कहीं शमशान भूमि में देखने को मिल जाए क्योंकि उनके दिमाग में वो कच्चा मांस खाते हैं और कई पहाड़ों में कई कंदराओं में हिमालयों में भगवान की भक्ति करते हुए दिख जाए लेकिन आप बता रहे हो कि आप कई लोग ऐसे कई ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपनी उस अवस्था को सिर्फ उसी समय लेकर आते हैं जब वो पूजा करते हैं जब अपने मन और दिमाग का मिलान ईश्वर के साथ कनेक्ट करना होता है तभी अघोरी एक, एक भाव है एक हमारी अवस्था है और आप यह कह देना कि ज़्यादा शिक्षित लोग ही बहुत कुछ जानते हैं या अघोरी एजुकेटेड नहीं होते हैं आप कल्पना कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जो तत्वों का रूपांतरण करना जानता हो तो वह आज के आपके एजुकेटेड बड़े से बड़े साइंटिस्ट से कहीं बड़ा उसका कद है परंतु वह अपना प्रदर्शन या उसने अपनी कहीं से सर्टिफिकेशन नहीं ली है तो जिसे बियॉन्ड साइंस जो साइंस है जिसे उसका ज्ञान है तो वो कितना कितनी गहराई में उसकी समझ है परंतु हमें एक आदत डाल दी गई है कि जो शायद हमारे को बताया गया है समझाया गया है हम व्यक्ति का जो उसका उसका मूल्यांकन जो है हम हम जितना हमें बताया गया है हम उसी के अनुरूप कर पाते हैं उससे बाहर जाकर हमारा मस्तिष्क उसे स्वीकार नहीं कर सकता हम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब ऐसा पॉसिबल है हाँ और ऐसा नहीं है कि हर अघोरी जो मांस का भक्षण करता है अच्छा क्योंकि मांस भी एक तरह एक तत्व है और जो चिता भसम जो या शमशान की जो भसम है जो या किसी के शरीर की जो भसम है उसको शरीर पर धारण धारण करने का एक कारण ये है कि उसमें पांचों के पांचों जो तत्व है, वो विद्यमान है अब वो अघोरी की भी अलग अलग अवस्थाएं हैं एक अघोरी उस मास को ग्रहण कर कर अपने मुख द्वारा ग्रहण करके ही ऊर्जा प्राप्त कर पाता है और एक उस अवस्था को प्राप्त हो गया है कि वह उस चिता भस्म को शरीर पर लगाकर ही उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा और एक ऐसी अवस्था में भी है कि वो शमशान में रहकर जहां पर चिता जल रही है और उससे पांचों प्राण बाहर आ रहे हैं सारे तत्व बाहर आ रहे हैं पांचों तत्व आ, वो हवा से उन तत्वों को ग्रहण कर कर अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकता है तो ये अघोरियों की भी अलग-अलग तरह की अवस्थाएं सच में जी बहुत हैरानी कर देने वाली चीजें मुझे लगता है कि और

निर्वाह करते हैं बहुत सारी जानकारी आज आपने दी मेरा मन कर रहा है पता नहीं मैं आपसे क्या पूछूं और पूछती रहूं, लेकिन एक छोटी सी बात आज के समय की मैं आपसे जानना चाहूंगी वो ये है इस संसार में बहुत सारे देवी देवता हैं हमारे धर्म में खास करके हिंदू धर्म में अगर हम बात करें बहुत सारी शक्तियां मानी जाती हैं हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कैसे डिसाइड कर पाएंगे या किसी ने अगर अपना कोई धर्म आ, आ, धर्म में किसी देवी देवता को अपना ईष्ट बना लिया है और सडन वो चेंज हो जाता है कि इस ईष्ट से तो मेरी बात नहीं बन रही है मेरे मेरे को दुख आ रहे हैं या कई बार होता हम आ, संसार में बहुत सारी चीजें आपके जीवन में चल रही होती है तो सडन वो किसी और की भी उपासना करने लग जाते हैं तो इतने सारे देवी देवताओं में जो मेरा पहला क्वेश्चन है कैसे हम डिसाइड करें कि मुझे इन्हीं की पूजा करनी है या इसी देवी क्योंकि शक्तियों में भी बहुत सारी दस महाविद्या कही गई हैं जो अपने आप में एक, एक सर्वश्रेष्ठ हैं हर विद्या हर चीज को प्राप्त करने के लिए जो दस महाविद्या अगर आ, किसी को वाक सिद्धि प्राप्त करनी है तो कहते हैं कि बगला मुखी की जैसे कि आप आ, पूजा पाठ करो उनको प्रसन्न करो तो इस प्रकार हम कैसे वो अपने मन को समझाएं? क्योंकि इंसान की तो बहुत सारी कामनाएं होती है कि मुझे ये भी मिल जाए ये भी मिले। तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे इस चीज को कि मेरा ये इष्ट कौन होना चाहिए ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं ना ही आप ये क्षमता रखते हैं कि आप ये निर्णय ले पाए कि आप किसकी साधना करेंगे किसकी भक्ति करेंगे ये या तो स्वयं वह शक्ति डिसाइड करती है कि आप उसकी उपासना कर सकें उसकी भक्ति कर सकें या फिर आपको आपका गुरु ज्ञान करवाएगा कि आपको किसकी साधना किसकी भक्ति करनी चाहिए और कुछ बहुत ही रेयर जो एग्जाम्पल है उनमें यदि कोई प्रारब्ध का कोई बहुत बड़ा तपस्वी है तो उसे स्वतः ही ज्ञात होगा कि उसे क्या साधना करनी है क्या भक्ति करनी है उसने पूर्व जन्म में किस देवी देवता की उपासना की है अच्छा। तो वहीं से वह अपनी शुरुआत करेगा बहुत सारे लोगों को यह भ्रम की स्थिति सदैव ही बनी रहती है आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि एक व्यक्ति है उसने अपने पूर्व जन्म में हनुमान जी की बहुत साधना की है और वो अपनी मृत्यु तक वो हनुमान जी की बहुत साधना करता रहा लेकिन साधना अभी पूर्ण नहीं हुई कि शरीर खत्म हो गया अब उसे एक नया शरीर प्राप्त हुआ नया शरीर प्राप्त होकर थोड़ा जब वो एक युवा अवस्था को आया तो किसी ने उसे ज्ञान करवाया कि अब आप गणपति जी की साधना करनी शुरू कर दो अब उसने गणपति जी की साधना शुरू कर दी अब वो जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुंच गया परंतु उसे साधना से कोई लाभ नहीं मिला कारण कारण यह है कि उसे अभी और समय चाहिए वो साधना पूर्ण करने के लिए परंतु एक साधना उसकी अधूरी बस इतनी पड़ी थी कि शायद वो कुछ थोड़ा बहुत ही और करता जो हनुमान जी की साधना थी उसकी वो साधना पूर्ण हो जाती अब उसे यह ज्ञान उसका गुरु ही करवा सकता है कि तुम्हारी ये साधना पूर्व जन्म की अधूरी पड़ी है तुम इस साधना को अपनाओ इस साधना को करो वो साधना पकड़ते ही तुरंत उसके कार्य एकदम से फलित हो जाएंगे उसे सब चीज़ों की स्वतः ही प्राप्ति हो जाएगी क्योंकि उसकी साधना की पूर्णता हो जाएगी तो गुरु गुरु ही वह ज्ञान का प्रकाश है जो हमें यह ज्ञान करवाता है कि हमें क्या करना चाहिए आध्यात्मिक गुरु होना बहुत ही आवश्यक है जी तो कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध भी इसके पीछे काम करते हैं हमारे पूर्व जन्म के जो हमें इस चीज को क्लियर करते हैं कि हमने कई बार हम देखते हैं कि छोटा बच्चा जो जन्म लिया साल डेढ़ साल तक जब वो बोलना स्टार्ट करते थे तो वो सडन घर में अभी कई सोशल मीडिया पे ऐसे बच्चे वायरल हैं अगर कोई हिंदुज्म का बच्चा है तो उनके ईश अगर राम है तो वो बच्चे ने कहीं माता की उपासना स्टार्ट कर दी तो घर वाले बोलते हैं हमारे घर में कोई नहीं करता ये बच्चा पता नहीं तो कहीं ना कहीं ये बात सच है कि हमारे प्रारब्ध जो है वो इस जन्म में में चाहे हम किसी भी योनि क्यों ना चले जाए कहीं ना कहीं उस चीज को रिलेट कर देते हैं प्रारब्ध आपके जीवन के हर हर आयाम में उपस्थित रहता है आपका ये जन्म ही आपके प्रारब्ध के कारण है आप किस नक्षत्र में किस राशि में किस स्थान पर आपका जन्म होगा यह आपके प्रारब्ध के कारण ही यह निर्णय बनाया जाता है आपको कैसा शरीर मिलेगा स्वस्थ मिलेगा सुंदर मिलेगा आपकी आयु कितनी होगी यह सब कुछ पहले से ही तय हो जाता है और उसको तय करने का जो जो पैमाना जो है वह आपके प्रारब्ध के कर्म है उसी के आधार पर आपका ये वर्तमान जीवन है और आपका आगे का जो जीवन होगा वो आपके आज के आज जो आप जितने भी कर्म कर रहे हैं ठीक है उससे आपके अगले जन्म की जो गति होगी या आप किस अवस्था को प्राप्त होंगे आपको मुक्ति प्राप्त होगी आप प्रेत अवस्था में जाएंगे या आपको पुनः शरीर की प्राप्ति होगी किस कुल की प्राप्ति होगी कैसी शिक्षा की प्राप्ति होगी ये 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 मेरा ये जन्म डिसाइड आपका इस जन्म के कर्म आधार बनेंगे क्योंकि ये जन्म में जो हम करेंगे वो हमारे अगले जन्म के प्रारम्भ कहलाएंगे निश्चित तौर पर तो।, तो हमें इस जन्म में चाहे वो कोई भी जन्म है उस जन्म में हमें अच्छा करना है जी तो भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि आप कर्म करो फल की इच्छा मत करो और कर्म आपको अपने जिस भी अवस्था में आप है आप अपने कर्म अच्छे कीजिए आप अच्छे कर्म करते जाइए ठीक है वो आपके संचित होते रहेंगे वो आपके इकट्ठे होते रहेंगे और वह आपको एक रिवार्ड के तौर पर चाहे आपको अगले जन्म में या कुछ समय के बाद वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का जीवन का आधार आपके पुण्य कर्म ही बनेंगे और यदि किसी ने बुरे कर्म किए तो वो उसे निश्चित तौर पर फिर वैसे जीवन की अवस्थाओं का उसको सामना करना पड़ेगा रोगों का कष्टों का पीड़ाओं का दुखों का और अच्छा है तो फिर वो सुख जी हो जी आ, मन नहीं कर रहा आपसे बातचीत जो मैं बंद कर दूं और जो आप इतना सारा ज्ञान का भंडार हमें दे रहे हैं वो उसमें किसी तरह की रुकावट आए जी तो स्वामी जी आगे भी हम आपको बुलाते रहेंगे और आपसे जानते रहेंगे धर्म के विषय के बारे में और कहीं कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि आप काली के भी उपासक हैं भैरव बाबा के भी उपासक हैं भैरव को लेके भी लोगों की अलग अलग भ्रांतियां हैं तो आपसे मिलेंगे फिर से दोबारा आपको बुलाएंगे ताकि हम इन सब बातों पे भी आपसे चर्चा कर सके तो आज आपने इस एपिसोड में कुछ ऐसी चीज़ें जानी जो जानना जरूरी था अघोरियों के बारे में जाना क्योंकि अघोरी बाबा के बारे में आ, लोगों के कईयों के बहुत मन में कई तरह के विचार थे तो मुझे लगता है वो विचार आज पूरी तरह से शून्य हो गए होंगे क्योंकि आपको बहुत ही सुंदर जवाब स्वामी सर्वेश्वरानंद भैरव जी ने दिए तो मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में तब तक के लिए बाय बाय